हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स। आज हम एक सिंपल सा 3D में मॉडल बनाएंगे। तो ये आप ड्राइंग देख सकते हो, सॉलिड वर्क में कैसे डिज़ाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी हम डाइमेंशंस देख लेते हैं कुछ। तो जो इसका रेडियस है 17.5 है ये वाला, ठीक है, और ऊपर वाला 60 है, और ये वाला 42, और ये यहाँ तक ही है। और इसकी हाइट, इसमें एक कट लगा हुआ है 64, उसके बाद 105 है, ठीक है, उसके बाद 145 की इसकी यहाँ तक हाइट है, और यहाँ तक है ये 64 का कट है। और यहाँ पे अलग से एक ये स्टेप बना हुआ है, इसमें ये रेडियस है इसकी विथ 74 है विथ, और इसकी हाइट जो है 76 है, और मिडल में जो इसका 38 बनता है, और इसका जो ये फ्लैट किया है ये 52 है, और इसका जो इस कॉर्नर से यहाँ से लेके ये होल है इसका 43 सेंटर पॉइंट है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 60 और 42 और हमारा ये 75.5 का आर, ठीक है। तो हम ये क्रिएट करते हैं ये लेंथ वाले को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राइट प्लेन चूज़ करेंगे, ओके स्केच, और यहाँ से मैं प्लेन वाइट कर लेता हूँ, ओके। तो हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारे ड्राइंग में 3 स्टेप हैं, तो यहाँ पे हम 3 स्टेप क्रिएट कर लेंगे उसी हिसाब से, ओके। और इस हम लाइन को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, ओके। और हम इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके, और इसको हम डायमीटर सबसे पहले हम ये वाला देंगे छोटे वाला। तो इसकी जो आर थी 17.5 है, तो 35 mm हो गया ये हमारा, ठीक है, ये हमारा 35 हो गया। तो यहाँ पे 35 है, 35 mm, और ये वाला था हमारा 42, ओके, और ये हमारा था 60, ठीक है, ओके। और अब इनकी हमें लेंथ डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले ये और ये विथ हम डिफाइन करेंगे, इसको हम टोटल 145 और यहाँ तक 105, ठीक है, टोटल 145। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके 145 कर दूँगा, ठीक है, और इस पॉइंट से 105 है, ठीक है, ओके। और ये स्लॉट, ये बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सॉरी, डायमेंशंस थोड़ी गलत लगा दी हमने। मैं ये वाला पार्ट मैं करूँगा इसको पहले 10 mm, ठीक है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 105, ओके, अब ठीक है। तो अभी हम इसको रिवॉल्व करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद रिवॉल्व बॉस बेस, यस। तो हमारा ये कंपोनेंट ऐसे बन गया, ठीक है। तो इस पे अभी आप देखोगे ये वाला कट है और ये वाला कट है, तो अभी हम इस पे ये कट नहीं लगाएंगे, ये बाद में लगाएंगे, पहले हम ये रेक्टेंगल तैयार करते हैं। तो इसकी थिकनेस 10 mm है, 76 और 74 का ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, स्केच नॉर्मल हम चूज़ करेंगे, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, ओके, और हम इसको डायमेंशंस देंगे। तो जैसे कि हमने एक तरफ से हम 74, ठीक है, और दूसरी तरफ से 76। तो हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि किस पॉइंट पे, जिस तरफ पे
फ्लैट एरिया उस पर 76 है और विड्थ 74 है उसके ऑपोजिट में। तो हम क्या करेंगे 76 ओके। तो जो हमने स्लॉट लगाना है हमने इसी डायरेक्शन में लगाना है ठीक है। तो हम इसको पहले एक्सट्रूड बॉस बेस करते हैं 10 मिलीमीटर ओके। और जो यहाँ पे स्लॉट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। मैं स्लॉट भी अभी लगा देता हूँ यहाँ पे एक जो हमारा हमने ये लगाना है यहाँ पे 52 पे ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर मैं क्या करूँगा मैं एक कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है ओके। और यहाँ तक अभी मैं एक सेंटर लाइन लगाता हूँ और इसको मैं डिफाइन करता हूँ 52 ओके। और इसको मैं अभी पॉइंट को सिलेक्ट करके होल्ड शिफ्ट ओरिजिन को सिलेक्ट करके मेक ओरिजेंटल कर वर्टिकल करता हूँ ओके। और यहाँ पे मैं अभी मिरर कमांड चलो मिरर कमांड कोई बात नहीं बाद में यूज़ करते हैं वो वाली। तो इस पर अभी मैं शेडो बंद कर देता हूँ शेडो ओके। तो अभी इसको मैं एक्सट्रूड कट करूँगा एक्सट्रूड कट ओके। यहाँ पे एक्सट्रूड कट हो गया है और अब हम इसको मिरर करेंगे टॉप में जाके टॉप यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट किया मिरर और एक्सट्रूड कट प्लेन तो सिलेक्टेड है हमें ये करना है ओके। तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ ये आ गया है ठीक है। और अभी हम इसको भी कट कर देते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या है ये सेंटर में से बोल रहे हैं कि 7.5 mm का डिफरेंस चाहिए बस और कुछ नहीं है। तो हमें फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे ठीक है और जो ये वाला डाइस के ऊपर तो ज़्यादा भी हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम ऊपर ही रखेंगे ठीक है। और हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 mm कर देंगे ठीक है ओके। और इसको हम मिडल में एक बार कर लेंगे होल्ड शिफ्ट करके ओके फाइन। अभी हम इसको एक्सट्रूडेड कट करेंगे एक्सट्रूड कट कितना था 64 ओके राइट। तो ये हमारा इतना बन चुका है। अभी हमें क्या करना है हमें ट्रायंगल बनानी है ठीक है। ऊपर 10 mm ये हो गया और इसी कॉर्नर से हमें 43 में से एक सेंटर में से हम होल लगाएंगे और ये इसका आर 15 mm इसका आउटर है और ये होल है ठीक है। तो इंटर्न इसमें से यहाँ से 37 का हाफ है वो तो हाफ ऐसे आएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये 43 पे इस पर सेंटर क्रिएट करके आर लगा के इसको क्रिएट करना है। तो हमें क्या करेंगे हम जाएंगे टॉप प्लेन पे ठीक है। टॉप प्लेन पे आ गए हम। अभी मैं एक सेंटर लाइन चूज़ करूँगा यहाँ से ओके राइट। और इस सेंटर लाइन को मैं कर दूँगा 43 हो गई ओके। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे एक होल लगाना है 10 का और एक 30 और यहाँ पे मैं 10 mm होल और यहाँ पे 30 क्योंकि 15 आ रहे तो उसका 30 हो जाएगा ठीक है। और मुझे एक लाइन चाहिए और मैं इसी पॉइंट से एज से ये लाइन लगा रहा हूँ ओके। और यहाँ पे मैं इसको टेंजेंट कर दूँगा ठीक है। और यहाँ पे मैं मिरर एंटिटीज यूज़ करके किसके बॉट लगाना है इसके ओके दैट्स इट फाइन। तो हमारे ये हमारा आर 15 है तो उसका डाई कितना आएगा कॉर्नर में उसका डायमीटर आ जाएगा 30
तो एक्स्ट्रा एंटिटीज हमें ट्रिम कर देना ये वाला, ठीक है। ओके फाइन, तो अभी कोई यहाँ पे लैग नहीं कुछ। ओके फाइन, ठीक है। तो अभी हमें इसको क्या करना है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस करना है। ओहो सॉरी, तो अभी हमें एक्सट्रूडेड बॉस बेस करेंगे इसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, और इसकी हमें थिकनेस देखनी है। तो ऑल आवर ये 30 है, सॉरी 10 mm इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस इधर कन्वर्ट हो गई। तो मुझे क्या करना है, तो सेंटर 60 का हाफ था, सेंटर कितना आ रहा है इसका 76, और 76 का हाफ आएगा 38, हाफ है इसका, ठीक है। तो मिडल में इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी हमें इसकी थिकनेस चाहिए 10 mm। तो एक्सट्रूडेड बॉस बेस में हम जाएंगे और हम इसको 38, सॉरी हम ऑफसेट करेंगे यहाँ से ऑफसेट, ठीक है। कितना 38, राइट। और हम इसको कितना कर रहे हैं 10 mm, और डायरेक्शन दूसरी तरफ। ओके, तो अभी आप देखोगे तो हमारा ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। और हम अभी दूसरी तरफ भी ऑपोजिट साइड भी सेम चाहिए, तो हम टॉप लाइन चूज़ करेंगे, मिरर, कौन सा हमने कमांड की लगाई यहाँ पे पार्ट में जाके, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। ओके, तो आप ऐसे इसको क्रिएट कर सकते हो। और इसमें अभी आपको मैं दिखा दूँ, इसमें अभी कुछ बचा नहीं है जो रह गया हो, तो हमने ये फंक्शन ऑल फंक्शन हमने कर लिए हैं। तो अभी इसको बस कलर देना बाकी है, तो सबसे पहले हम इसको कलर करते हैं, बॉडीज ग्रीन, रिवॉल्व, ओके। तो मैं इसको मर्ज नहीं करूँगा, टू बॉडीज, सॉरी इसको अभी हम कलर सिलेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट कर दिया मैंने, और इसका जो मेटल कलर है ओनली सरफेस पे, सरफेस सिलेक्टेड, ओके। सरफेस तो अभी आप देख सकते हो कि हमने अपना मॉडल क्रिएट हो चुका है, बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल था ये। और यहाँ पे अभी चैम्फर रह गई है, हम इसको भी लगा देते हैं। तो अभी हम क्या करना है, यहाँ पे चैम्फर पे जाएंगे, और यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे मैं 2 mm या 3 mm जितना भी आप चैम्फर लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे 3 mm कम से कम हमें चाहिए। ओके ओके, तो अभी हमारा कंपोनेंट बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, थैंक यू।